हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैंने व्लॉग मॉर्निंग से ही शुरू कर दिया है। तो यहाँ मैंने आलू धो के रखे हैं धूप में, और लाल मिर्च है ये, इनको 2-3 दिन सुखाऊंगी और सुखाने के बाद मिक्सी में पीस लूँगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे धूप में रखा है इनको। और कंघी कर रही हूँ यहाँ पे, वह भी बातें कर रही है अपनी, बता रही है कि मेरे कोचिंग में ये होता है मम्मा, वो होता है, और मैं कर रही हूँ यहाँ पे कंघी। और बाल कंघी करने में इतना आलस आता है मेरे को, बिल्कुल भी केयर नहीं कर पा रही हूँ मैं अपने फेस की और बालों की। मेरी साइकिल गिरा दी, मेरी साइकिल को तोड़ दी इसने। मम्मी मेरे पैर पे भी तो लगी है बहुत तेज। पिटाएगी आप? पिटाएगी तू? हाँ। हेलो एवरीवन, तो अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, और जस्ट मैं अभी मेरा काम ख़त्म हुआ है तो बस खाना बनाना है मेरे को। और कंघी करी है आज 3 दिनों में, 3 दिन से कंघा तक नहीं मारा है बालों में, और बाल इतनी बुरी तरह अलग रहे थे। और ये देखो कौन सी मैडम है, ये कौन मैडम है? पीहू मैडम। और पीहू मैडम की ड्रेस देखो कैसी लग रही है, घूम घूम के दिखा, घूम के दिखा। अरे वाह, बढ़िया लग रही है पीयू। हैं, पीयू का फ्रॉक तो ऐसे घूमता है ना? ने। तो बस अभी बनाना है खाना। क्या खाएगी? मैक्रोनी। मैक्रोनी? और तो अभी की साइकिल पास्ता गिरा। बना दो। पास्ता? हाँ। मैक्रोनी। अभी चोट दिखा, ये देखो पीयू के लगी चोट। कैसे लगी पीयू के? अरे मैं भाग रही थी, चोर पुलिस कर रहे थे, मैं डायमंड लेके भाग रही थी, पत्थर लेके, और फिर जैसे मेरे को, मैंने पत्थर नहीं देखा, मैं गिर गई। अभी मुझे चोट लगी है ना, फिर रोने लगी है? थोड़ी देर में ही फिर चुप हो गई, फिर 4-5 दिन में ठीक हो गया। हो गया ना, मम्मी ने दवाई लगा दी ना? लाल दवाई लगाई है, फिर छूट गया धीरे धीरे करके। तो बस आज मैं नहीं लौटूंगी। क्यों? नहीं। तो मैं अब किचन में बर्तन मांज रही हूँ क्योंकि दूध आज लेट आया है, तो मुझे दूध करना है। और मैक्रोनी मंगाई थी क्योंकि पीहू को खानी है, तो मना कर रही है अब वो मैक्रोनी खाने के लिए। तो यहाँ पे ये जैम लेके आ गई थी ये सुबह, तो खोल रही है, कह रही है मुझे ब्रेड जैम खाने हैं, तो उसको खोलने में लगी हुई है। हाँ, वीडियो बना रही है ये भी अपना। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग है। हाँ, ये भी छोटी यूट्यूबर है, ये घर में सारे यूट्यूबर हो रहे हैं। तूने कौन सा फोन ले रखा है? दादू? दादू का? बढ़िया, एक माँ जी को एक दादू को ले डोल रहे हो। रख दे बेटा, फिर फोन आ जाएगा दादू का। देख रही है कौन? दीदी। क्या कर रही है भाभी? मम्मी, मम्मी देखो, एक चीज करूं। अरे गिर जाएगी। नहीं गिरूंगी बेटा, गिर जाएगी। पीहू गिर जाएगी बेटा, गिर जाएगी। चढ़ उधर, उधर उधर चढ़, गिर जाएगी, फिर चोट लग जाएगी। अभी चोट लगने से बची है ना, फिर लग जाएगी। सकती नहीं बेटा, चोट लग जाएगी। तो पापा को पीना है हुक्का, तो ये अंकल चिलम में रखने के लिए बना रहे हैं ईंट को घिस के गोल एकदम टुकड़ा, तो वो रखेंगे चिलम में, उसके ऊपर फिर ये तम्बाकू रखेंगे, फिर चिलम को भरेंगे। तो बस अंकल उसको एकदम गोल करने में लगे हुए हैं, घिसने में लगे हुए हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी ऊपर से पीस ले ली थी इन अंकल की। बैठ जाओ।
तो मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मेरी नंद आ चुकी है। सुबह ही फ़ोन आ गया था उसका कि भाभी छुट्टियाँ पड़ गई है तो मैं आ रही हूँ एक हफ्ते के लिए। तो फिर मम्मी ने भी कह दिया कि ठीक है आ जा। तो बस यहाँ पे वो आ चुकी है, और भाभी भी कोचिंग से आ गई थी तो मैं उसके लिए दूध करके लाई थी, और मैंने अपने लिए और नंद के लिए बनाई है चाय। तो यहाँ पे बस हम वही बच्चों की बातें कर रहे हैं कि मैं नहीं आ पाई थी होली पे, और बहुत मिस किया बच्चों ने आपके बच्चों को और यहाँ की होली को, क्योंकि हर बार वो यहीं आती है। हेलो तो मैं आज अपने भाई और भाभियों के घर आई हूँ, और कुछ समय अपने भाई भाभियों के साथ बिताना चाहती हूँ। बच्चे की छुट्टी है तो इसलिए मैं यहाँ पे अपने समय व्यतीत करने के लिए छुट्टियों में आई हुई हूँ। हाँ ये हुई ना बात। मुझे यहाँ मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे एक्चुअली। तो दिवाली पे वो सॉरी होली पे भी वो बड़ी वाली बहुत रो रही थी, क्योंकि यहाँ पे उनको होली खेलने में भी सारे त्योहार मनाने में बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पे क्या बच्चे भी नहीं है एक, तो फिर वो दो ही बच्चे हैं, फिर थोड़ा हमारा घर कैसे बंद सा है, तो उनको वहाँ मन कम लगता है। यहाँ पे भाभियों के बच्चे हैं तो यहाँ पे और भी खुला खुला उनको लगता है। नाना नानी के पता, एक्चुअली आपको पता ही है ये बच्चे होते ही खुले मन में हो जाते हैं, तो खेलते कूदते उनको बहुत अच्छा लगता है। अभी इस बार तो हमारे बच्चे भी वहाँ खेल पाए। हाँ जो तू देखी हुई। हाँ पर ट्यू का बहुत अच्छा डांस था उसमें। मुझे बहुत अच्छा लगा वो डांस उसका, वाकई में सब उस पर सूट कर रहा था। पूरी दादी है, पूरी दादी। और उसकी फ्रेंड पीहू और प्रियांशी की बहुत ज्यादा पट्टी भी है, और बहुत ज्यादा वो भी होती है उनकी लड़ाई। अब लगी पड़ी हुई जगह। हाँ फोन में लगी पड़ी है। क्या तो इतनी मम्मी एक हम दे दूंगी, वो एक मैं दे दूंगी। कर क्या रहे हो तुम इसमें जिया? क्या है ये? पियो फोन ठीक नहीं है इतना। अरे ये बंद कर। जब ये जिया छोटी थी तो मैंने पकड़ा है। जिया आपके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, कौन लेके आया था? कौन लेके आया था कपड़े? कौन लेके आया था? ये मम्मी लाई थी। मम्मी लेके आई थी, अच्छे लग रहे हैं। प्रियांशी कहाँ है? दीदी तो इस कमरे में तेज आवाज करके सुन ली है। हम उस कमरे में नहीं जाएंगे, हम नहीं सुन पाएंगे। तुम्हारी लड़ाई हो गई उससे? ये वाला भी दिखा। तो मेरी नंद की यही लड़कियां हैं दोनों, जिया और प्रियांशी। तो पीहू इनको अपने खिलौने दिखा रही है कि ये सब खिलौने हैं मेरे पास, और इनके आते ही ये भूल जाती है अपना खाना पीना, इन्हीं के साथ ही खाती है, इन्हीं के साथ खेलती है और इन्हीं के साथ सोती है। और दोपहर में भी इसने इन्हीं की वजह से खाना नहीं खाया, कह रही मम्मी मैं जिया के और प्रियांशी के साथ ही खाना खाऊंगी। भाभी है वो, भाभी है वो। हाँ यूपी हुए देखो वो इग्नोर कर दिया कितनी कोने में। प्रियांशी इधर को आ रहा वो कर रही है, वो नहीं कर रही है बस, तो उसको खड़ी रहने दे। हाँ चटाई को हटा दो, चटाई को हटा दो। अरे तय बना दे इसकी, तय बना दे। तो मैं बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। तो मैंने यहाँ पे छौंक डाल दिया है,
और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में वही है, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और थोड़ी सी डालूंगी मैं हींग। हींग मैं हर सब्जी में डालती हूँ। तो अब ये मेरा छौंक हो चुका है और ये मैं मोम दस्ते में छोटा वाला जो अदरक कूटने वाला है इसी में ही मैं अदरक कूट लेती हूँ। तो बस इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया है कूट के, और शिमला मिर्च, आलू अच्छे से मैंने धो ली हैं। तो बस अब अच्छे से इसको मैं मिक्स कर दूंगी और मैं बना रही हूँ आज तरी वाली सब्जी। वैसे तो ये लोग सूखी खाते हैं लेकिन कभी कभी तरी वाली भी अच्छी लगती है ये। तो बस इसमें मैं 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दूंगी और बहुत टेस्टी बनी थी ये सब्जी। वैसे तो मैं शिमला मिर्च में आलू भर के ही बनाती हूँ लेकिन कभी कभार मन कर जाता है गीली सब्जी खाने का तरी वाली, और यहाँ पे मिर्च मेरी अच्छे से सूखी नहीं थी तो 1-2 दिन और इनको धूप में सुखाऊंगी। तो यहाँ देखिए मेरी हो चुकी है थाली तैयार। तो आ जाइए आप सब भी मेरे साथ खाने के लिए। तो अभी 10:30 का टाइम हो रहा है और हमने खाना खा लिया है। आज क्या थी सब्जी? आज क्या थी सब्जी? मेरे को तो आपकी सब्जी अच्छी लगी, बस अंडा अंडा था। अंडे को पता नहीं ऊपर क्या रखा था, सूखे सूखे खा रहे थे। तो बेटा वो अंकल के घर से आई थी ना अंडा करी थी, वो अच्छी तो लग रही थी, पर उसका जो मैंने ऊपर खाता ना ब्राउन ब्राउन सा, जब मैंने उतार के खाया तो अच्छा नहीं लगा मेरे को। तो इनके फ्रेंड के घर से अंडा करी बन के आई थी, तो इसको अंडा करी पसंद नहीं है उसके बारे में ये बोल रही है मैडम। और सारा टाइम टेबल इनका खराब हो चुका है क्योंकि छुट्टियां पड़ी हुई है, आराम से सोके उठती है पीहू, तो इसी वजह से रात को भी नहीं सोती है ना। दोपहर कौन सोती, रात को तो सोती हूँ। कहाँ सोती है? रात को नहीं सोती। तो रात को अभी 10:30 हो रहे हैं। हाँ, इतना तो लेट हो गया तो सुबह लेट, रात को लेट सोऊंगी, सुबह लेट उठूंगी और क्या, सही है। और अगर जल्दी सोऊंगी तो जल्दी उठूंगी। बस तो बस अभी इनको सुलाना है, दूध पिला के पी हूँ मैडम को, और कुछ बर्तन पड़े हैं वो बर्तन मांजूंगी और एडिटिंग करनी है। तो बस तो चलिए अभी हम इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। तो प्लीज आप सभी अपना साथ सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बनाए रखना ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाती रहूं, मम्मी को नजर ना लगे। तो चलिए अभी करती हूँ इस वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोरोना से बचिए, बाहर जितना हो सके कम निकलिए और ज्यादातर मास्क लगाइए, और जब खाना खाओ तो देख लेना हाथ जरूर धो ना। और अगर हाथ ना धोने हैं तो बाहर जा रहे हो तो फिर क्या करना है? है? क्या यूज करना है? मास्क नहीं, हाथ साफ करने के लिए, हाथ साफ करने के हैंड सैनिटाइजर। हमारे पास रखा है बस, तो छोटा सा वो है पीयू के डैड ने ला रखा है। हाँ, पीयू के लिए ऐसे दबा के फिर आ जाता है सारा। दिखा तू वो दिखा दिखा, तो अभी पीयू दिखा रही है आपको। तो ये है सैनिटाइजर, इसमें से मैंने इनको भी नहीं, अच्छा बस बस निकल गया, टपक गया वो। हाँ हो गया हो गया हो गया। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो इसके डैडी को भी दे दिया मैंने थोड़ा सा डब्बी में डाल के, क्योंकि वो इनकी छुट्टी नहीं पड़ी है तो ये बाहर जाते हैं और इनका ज्यादातर डोलने का ही काम है, डॉक्टरों से मिलने का काम है। तो बस इनको भी मैंने थोड़ा सा डाल के दे दिया है। और भाभी की भी, भाभी जाती है कोचिंग सेंटर तो भाभी का भी बाहर का ही काम होता है, तो भाभी को भी मैंने डाल के दे दिया है, ये बचाया हुआ है घर के लिए। क्योंकि वैसे तो मैं पीहू को बाहर नहीं निकलने देती हूँ लेकिन थोड़ा सा साइकिल वाइकिल चलाती है तो फिर ये जब भी लगा लेती है। तो बस चलिए अभी इस वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आप सभी को अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और मेरी मम्मी को कमेंट करना और बेल बटन दबाना मत भूलना। तो चलो बाय कर दो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।